Faz bark. 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 Good boy, good boy, good boy, good boy. Cosmo. Suspected. Suspected. Cosmo, suspected. Suspected. Cosmo, jo dettol leke aao. Dettol leke aao, chalo. Good boy. नहाने के लिए रेडी हो जाओ, जाके मग लेके आओ. Go fast. परी down. Down. Good girl. Hey, jaunty roads. ये जैसे बॉल कैच की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि डॉग का कंसंट्रेशन बढ़ता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए. पूरी अटैक. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रॉयल सोल्जर. इस बार हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने डॉग को बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं. अभी मैं अपनी डोबरमैन के साथ हूँ. ये ऑलरेडी ट्रेंड है, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट हाउ टू डू ट्रेन है वो. आपकी डिमांड पे कमेंट्स में आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट आई के डॉग को ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो भले आपकी डिमांड को हम कैसे रिफ्यूज़ कर सकते थे गाइस. तो सबसे पहले आपका मैं बता दूं कि डॉग को ट्रेनिंग देने के लिए जो राइट एज है, अप्रोप्रिएट एज जो है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 3 मंथ्स का जो पपी है वो बातों को ग्रैब करना समझना शुरू करता है. वो एक और बात है कि एक्सेप्शनली थोड़ा स्किल हो तो पहले भी सिखाया जा सकता है. जैसे कि मैंने अपनी कोको को ट्रेन किया और आपको दिखाया कि वो कैसे अटैक करती थी. वो सिर्फ 2 महीने की थी, जर्मन शेफर्ड जो है मेरी. और गाइज थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे वीडियोज़ को इतना लाइक करने के लिए. मैं देखता हूँ स्टैटिस्टिक्स में आपने इतना सारा शेयर किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जो है लिंक को शेयर करते रहिए, दोस्तों को भी नॉलेज शेयर करते रहिए मेरे डॉग्स के बारे में, स्किल्स के बारे में. क्योंकि अपने जो वीडियोस हैं वो किसी PPT बेस्ड या कॉपी पेस्ट नहीं होते, वो नेचुरली जो मेरा इतने सालों का तजुर्बा है मुझे, इट्स मोर देन 25-27 ईयर्स नाउ डॉग का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं वो आप लोगों को ना हो, मेरे व्यूअर्स को ना हो. तो वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब ना करना भूलें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो. अब बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको वीडियोस दिखाए जाते हैं इस चैनल पे, मेरे सारे डॉग्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाता है. तो वीडियो को आज आप ध्यान से देखते रहिए और लर्न कीजिए कैसे आप अपने डॉग को वेल बिहेव्ड और वेल ट्रेन कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं. Keep watching this video till the end without skipping it. तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. ये है मेरी प्यारी जर्मन शेफर्ड कोको, फीमेल डॉग है मेरे पास ये. गाइज लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ ब्रीडर, आई एम नॉट अ कमर्शलाइज पर्सन हू सेलिंग डॉग्स एंड आई डोंट हैव एनी पेट शॉप एंड ऑल. दिस इज जस्ट माई पैशन दैट आई लव डॉग्स एंड आई लव टू स्प्रेड नॉलेज एज मच एज आई कैन विद माई व्यूअर्स. तो ये मेरे बाकी डोबरमैन हैं, कॉस्मो, वीनस और ब्लैक लेवल पेरी, काफ़ी एथलेटिक हैं ये. तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि डॉग को ट्रेनिंग देने से पहले कुछ खास बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहली बात, डॉग का जो ट्रेनिंग देते वक्त जो इन्वायरमेंट है वो एक सेपरेट रूम में या सेपरेट हॉल में हो, जहाँ पे किसी और व्यक्ति का डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई नॉइज़ ना हो, TV वॉल्यूम या म्यूज़िक ना हो, कोई ठक ठक की इस टाइप की आवाज़ ना हो कि कुत्ता डिस्ट्रैक्ट हो. तो इन बातों का ध्यान रखें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपके डेफिनेटली काम आने वाला है आज का वीडियो भी. को पहले एग्जांपल दे दूं कि डिस्ट्रैक्शन जब होता है, एनवायरनमेंट सही ना हो, तो डॉग को ट्रेन करने में क्या दिक्कतें आती हैं. वॉच इट, देखो सुन नहीं रही है. जैसे मैंने बताया, परी सर,
देखिए जैसे पीछे से आपको बस आ रही है। पहले आपको एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे अभी देख सकते हैं पीछे से थोड़ी सी नॉइज हुई तो डॉग डिस्ट्रैक्ट हो गया। देखिए ओके परी आवाज आ रही है ना पीछे, परी सेट उसका ध्यान वहां चला गया कर रही है बट स्टिल हर माइंड इज डाइवर्टेड। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, गुड गर्ल। तो जैसा आपने देखा जिस टाइम मैं डाउन थी उस टाइम मैंने ट्रीट अपने हाथ में रख ली एंड देन मैंने ऐसे कर दिया, उस टाइम मैंने उसको लेट जगह पर लाइट डाउन बोला ऐसे लेट गई। All right, hey Perry the black label. इसकी पेडिग्री मैं आपको गाइस पहले बता चुका हूँ, ये जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन की ब्रेड लाइन से है हमारी ब्लैक लेबल पेरी, तो काफ़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है। इशारा किया ऊपर से फिंगर से तो अपने आप ही लेट गई इधर, रियली कूल है। और ये बेटे ने ही इसको ट्रेन किया गाइस, बिलीव करना जब ये आई थी तो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थी, जीरो ट्रेनिंग थी इसकी, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती, तो बेटे ने इसको ट्रेन किया ढंग से हर चीज़ में। तो रियली हेड्स ऑफ यश कि आपने जो है स्किल्स को इतना यूटिलाइज़ किया, जो जो चीज़ें आपको बताई गई थी आपने खुद से जो है उनको इम्प्लीमेंट किया और अपने पैरी ब्लैक लेबल पैरी को जो है इतने बढ़िया तरीके से ट्रेन किया। तो यश थोड़ा सा बताओगे, शेक हैंड आपने बताया, अभी आपने सेट एंड डाउन बताया, अभी थोड़ा सा शेक हैंड के बारे में बताओ, सब्सक्राइबर्स हमारे काफ़ी डिमांड कर रहे हैं ट्रेनिंग की, तो उनको थोड़ा शेक हैंड के बारे में भी बताया जाए। Hey chap. Pretty come start. Come on. Monkey. See, monkey. She's very alert. Okay Pari. Now. हाँ जी, तो handshake के लिए आपको इसको ऐसे train करना है sit. उसके बाद आपको ये लेना है, ये national होता है इनका, जब भी आपके हाथ में food होता है उसको फिर उस time में देखो जैसे भी हाथ मारी वैसे handshake. Good girl. तो ऐसे कर सकते हैं आप। और इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कभी भी डॉग के हाथ को खुद से पकड़ के हैंडशेक ना करें और उसके बाद ट्रीट देंगे तो डॉग को हाथ पड़ जाएगी यार, मैं तो फ्री में जो है हाथ भी मिला रहा है खाना भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, उसको खुद से एफर्ट मारे दो तब वो सीखेगा। गुड हे सेट सेट गेट गो डाउन, देखो बैंग बैंग बोला लेट भी। यश कमाल की ट्रेनिंग दी यार तूने, मान गया बस, वेरी गुड। देखो बच्चे को खाली स्टडीज में चैंपियन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट हो ना, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, मैं तो कहता हूँ बच्चे को उस चीज में काम करने देना चाहिए। अब बेटे को जो है डॉग्स से इतना प्यार है क्योंकि घर में मुझे डॉग से बहुत प्यार है, मैंने बचपन से डॉग्स पाले हैं, बच्चे शुरू से डॉग्स देख रहे हैं घर में, तो इनको भी पैशन है डॉग्स को वेल ट्रेन करने का, सोशलाइज करने का, तो ये खुद बेटे के स्किल्स हैं जो भी आप देख रहे हैं इसको ट्रेन करने के। Hey, sweetie. Wait. अच्छा शेक हैंड का भी आपने देखा कितना इजी तरीके से डॉग को आप शेक हैंड सिखा सकते हो, लेकिन पेशेंस की बहुत जरूरत है गाइस, पेशेंस होना चाहिए, कई बार आपको डॉग सीखे ना आप ये सोचना है यार मेरा डॉग तो बेकार है सीखता नहीं है, आपका डॉग चाहे स्ट्रीट डॉग हो चाहे किसी भी ब्रीड का हो, हर एक डॉग में सेम दिमाग होता है, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा इंसान की तरह, बाकी किसी भी डॉग को ट्रेन किया जा सकता है, पेशेंस की और स्किल्स की जरूरत है बस। तो यश कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, जैसे अभी बताया स्ट्रीट डॉग और ब्रीड में ज़्यादा फर्क नहीं होता, कुछ लोग समझते हैं कि अगर मेरे पास स्ट्रीट डॉग है या फिर कुछ लोग अगर स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करते हैं तो फिर उनको लगता है कि ये स्ट्रीट डॉग है ट्रेन नहीं हो सकता, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ते को देखो ये थोड़ी ना पता है कि वो ब्रीड क्या है, या फिर उसमें दिमाग तो सभी इक्वली होता है ना डॉग्स में, तो उसको ही नहीं पता मैं ब्रीड का फिर मैं स्ट्रीट डॉग हूँ, इसलिए आपको कैसे भी बस एफर्ट और पेशेंस ज़रूरी है इस चीज़ में एंड एनवायरनमेंट। तो अभी डाउन के कमांड के लिए आपके डॉग को पहले आपको अच्छे से सिट के लिए ज़रूर ट्रेन करना होगा, तो अभी आप देख सकते हैं परी सेट आप जब ऐसे करेंगे और जब आपके हाथ में ट्रेन डल गया टू मेक अ फिस्ट, उसके बाद ऐसे आइए देखिए डाउन गुड गर्ल, हां शी नाउ हॉप डाउन सो शी वाज ऑलरेडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट से। उसके बाद जब वो सब कुछ आपके हाथ में है तो उसको पीछे ले जाइए तो वो बैठ जाएगा, उस समय उसको बोलिए सेट, आस्क हर गिव हर अ कमांड टू डाउन यश परी डाउन, very good everybody bang bang. अच्छा जो मैंने भी वीडियो अपलोड किया था ना किसी दिनों पहले कि डॉग को ये कमांड देते हैं बच्चे और ये बिल्कुल शांत होकर लेट जाती है जैसे बेहोश हो गई हो या मर गई हो, तो क्या नाम था उस कमांड के, हाउ डिड यू ट्रेन हर, हाउ
क्या नाम था इस कमांड का? बार बार। देखो बैंग बैंग बोला जब से ऐसे लेट गई है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। That's really good, Yash. I really appreciate your training efforts. आप ट्रीट अपने हाथ में लीजिए, make a fist, उसके बाद ऐसे पीछे पीछे लाइए, जब अपने डॉग अपना बैठ जाएगा तब बोलिए सिट, हरी सिट। मेरे डॉग पहले से ट्रेन्ड है डांस में, ये ऐसे पहले सेट हो गई, वरना मैंने उसको ऐसे ट्रेन करा था जब ये ऐसे खड़ी हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप ट्रीट नहीं किए ऐसे उसके पीछे लाइए, वो बैठ जाएगा, उससे आप उसको सेट बोलिए। तो अब स्टार्ट करते हैं डाउन से, विच इज ऑल्सो नोन एज सैल्यूट। खुशी इस बात की गाइज मैंने लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हूँ अपने डॉग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। लोगों को लगता था कि डोबरमैन एक ऐसी ब्रीड है जो बच्चों को मार देती है, अपने मालिक को काट लेती है, वन मैन डॉग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों के साथ जो है कितना सोशली बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करता है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसा जैसा लोग कहते हैं कि काट देगा, फाड़ देगा, मार देगा। ये बच्चों के लिए भी जान छिड़कते हैं, बच्चों की तरफ कोई आँख उठा के देख ले, उंगली उठा दे तो उसको काटने फाड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो घर के लिए बहुत ही बेहतरीन काट डॉग है डोबरमैन ब्रीड, और बहुत ही शानदार है यार। मैंने अक्सर देखा है कि लोग हमेशा ये बातें करते हैं कि यार अपने डॉग को मैं कैसे खूंखार बनाऊं, कैसे उसको लोगों को फाड़ने काटने वाला बनाऊं। लेकिन गाइज एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप घर में डॉग पाल रहे हैं तो कुत्ते का मतलब किसी को मारने फाड़ने का नहीं होता, उनका नेचुरल बिहेवियर होता है कि जो भी आपके घर में स्ट्रेंजर आएगा या आप पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली आपको डॉग प्रोटेक्शन के लिए उस पर अटैक करेगा। तो डॉग को सोशलाइज रखें ताकि घर में बच्चों के साथ भी वो ढंग से खेल सके। मेरे डॉग्स आप देख रहे हैं बच्चों के साथ किस तरीके से खेलते हैं, तो डॉग को सोशलाइज करना जरूरी है बजाय उसको खूंखार बनाने के। कॉस्मो को पकड़ लो बेटा आप। गुड गर्ल। यश इसको सेपरेटली दोबारा कराओ एक बार, वीनस को सिट एंड डाउन कराओ दोबारा से। वीनस कम कम सिट डाउन, वीनस डाउन। गुड गर्ल। तो ये थे फीमेल और वो था मेल, जिसको आपने अभी देखा, मेल थोड़ा ज्यादा शरारत किया। ओके सो ये था मेरा वीडियो डॉग को कैसे ट्रेन करें सेट और डाउन के लिए, डाउन को सैल्यूट भी बोलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए डॉग्स और आरी के वीडियोज देखने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। वेरी गुड बॉय, लर्न इट, लवली है, लाइक इट बेबी। तो डॉग्स जो हैं बॉस बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं, ये मैं सोच रहा कि कुत्ते बेवकूफ़ होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं। ऑपसेट बोल के जब डाउन बताओगे तो आपको खुद से करके दिखाना पड़ेगा कि डाउन कैसे होते हैं, तो आपकी नकल मार के भी डॉग सीखता है कई बार, जो इजी ट्रिक से नहीं सीखता वो बॉडी लैंग्वेज से सीखता है, जैसा आपको मैंने पहले बताया। तो बॉडी लैंग्वेज का एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ, ये देखिए बेटा एक स्ट्रीट डॉग को ट्रेनिंग दे रहा है, जो घर में आपने मेरे देखे हैं स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, ये बेटे ने टर्न किया तो डॉग ने भी टर्न किया, तो कुछ इस तरीके से जो है डॉग लर्न करता है। डोबरमैन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग, लाइक लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया और डोबरमैन हो गया, ये जो है मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड्स हैं अब तक की। तो उनको ट्रेन करना बहुत ईजी है, सिर्फ ज़रूरत है आपके स्किल की, आपको स्किल आना चाहिए कि ट्रेन कैसे करना है, बाकी आपका कुत्ता जो है आपके इशारे पे काम करेगा। Am I right or wrong, baby? Am I right? Hey, plastic hai. It's a plastic. Don't worry, baby. Okay. Now what you will do is get up. Okay, wait. Up. Jump.
Very nice. I like it. I like it. I like it. I like it. So they help me. Okay. Do one thing, baby. Sit. Sit down. Sit. Sit. Now down. Now down. Down. Very good. I like it. I like it. You're a sweet baby. I love you. I like you. तो जो है डॉग को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने अच्छा कुत्ता एक पाला है चाहे जो भी कुत्ता हो उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि कभी किसी पर अटैक करे तो आप कमांड माने. ये तो बहुत छोटी बेसिक चीज़ है जैसे आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि बड़ी ही बेसिक ट्रेनिंग है सिट स्टैंड वाली चीज़ें. बाकी ये ट्रेंड है सूंघ के किसी को ढूंढने के लिए जंगल में. अगर कोई छुपा हुआ है 4-5 किलोमीटर की रेंज में तो ये उसको ढूंढ के निकाल सकते हैं. ये स्लो स्टेप आपको मैंने पिछले ट्रेनिंग में दिखाया था स्लो स्टेप ट्रेनिंग डॉग वगैरह कैसे चलते हैं ताकि दुश्मन को आहट ना हो कि पीछे से कोई हमें ट्रेस कर रहा है. वरना आमतौर पर कुत्ते भागते हुए जाते हैं दुश्मन वैसे अलर्ट होकर भाग जाता है या फायरिंग कर देता है. तो ये जो है स्लो स्टेप की ट्रेनिंग में भी बड़े एक्सपर्ट है. तो गाइज मेरे वीडियो शायद थोड़े से लंबे लगते हैं लेकिन जिनको वाकई इंटरेस्ट है देखने का उनके लिए कोई लेंथी वीडियो मैटर नहीं करता. वो हमेशा नॉलेज गेन करना चाहते हैं. अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है बिना स्किप करे एक एक नॉलेज को आपने गेन किया है तो डेफिनेटली अगर आप एक पैट लवर हैं और नहीं भी हैं फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो आप ये नॉलेज जो है आपको डेफिनेटली बहुत कम आने वाली है. तो गाइस ऐसे ही ट्रस्ट करने के लिए वीडियोस पे लाइक करने के लिए उन्हें पसंद करने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट्स में. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी टाइम मिलेगा आपकी क्वेरीज़ का आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए. तो काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ डॉग केयर के बारे में. वो उनको कब नहलाएं कब ना नहलाएं कैसे टूथब्रश कराएं उनकी बॉडी केयर उनकी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं डाइट क्या है. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं नॉलेज गेन कर सकते हैं. व्यूअर्स की डिमांड पे मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्दी बताने की कि अपने डॉग को जो है जो डॉग्स बाहर जाके गंद खाते हैं उनको कैसे आप इस परेशानी से दूर हों कैसे डॉग को ट्रेन करें कि वो सब ना खाए बिना रस्सी के आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं घुमाते वक्त. और अगर आपका डॉग घर में गंद करता है या वहाँ गंदगी फैलाता है तो कैसे आप उसको राइट प्लेस पर टॉयलेट जाने की ट्रेनिंग दें. ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताई जाएंगी गाइस. I hope you like these basic training steps. Thank you so much guys, for watching. If you really love my dogs, like my genuine videos. If you find it's really knowledgeable, और आप लोगों को videos देख के अच्छा लगता है कुछ तो अच्छा लगता होगा यार. I'm 100% sure. Dog या फिर nature या फिर इनके बारे में दी गई जानकारी. तो guys अगर आपको अच्छा लगता है आप चाहते हैं कि future में आपको अच्छे अच्छे genuine videos दिखाता रहूँ different videos दिखाता रहूँ तो please click on the like button. It's up to you. I will never force someone to click on like button because it's your wish. If you like my video, please click on like. Don't forget to comment. Comment karna na bhule, apne views dena na bhule. Aur usi ke saath saath agar aap pehli baar mera channel dekh rahe hain, aapne subscribe nahi kiya hai, to channel ko subscribe karna na bhule. Aur uske saath jo bell icon hai, usko dabaye taki jo bhi video upload ho, sabse pehle aapko notification mile. So guys, thank you so much for all your love and like all my videos and cutie dogs. Thank you so much for watching once again. Jai Hind, have a nice day.